नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुमार रवि ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर जाना सबको चाहते हैं लेकिन चांसेस नहीं मिलते। तो आज मुझे चांस मिला है एक ऐसी जगह जाने का जहाँ पर मैं जाने का इंतजार को काफ़ी लंबे समय से कर रहा था, लेकिन मौका अब मिला है और वो खूबसूरत जगह है दमन। जी हाँ दोस्तों, मैं अब आपको लेकर चलूँगा दमन की ट्रिप पर। और अभी मैं पहुंच चुका हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जहां पर हमारी फ्लाइट है जो कि 6:10 की है वडोदरा के लिए, क्योंकि हम पहले वडोदरा जाएंगे उसके बाद बाई रोड दमन के लिए जाएंगे। तो अभी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस दमन की ट्रिप पर अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में मेरे जो कलीग हैं, मिस्टर दोस्त हैं मिस्टर सुधांशु सिंह, वो भी इस ट्रिप पर मेरे साथ है। हाय एवरीवन, हाय रवि। सो वी आर अबाउट टू बिगिन द जर्नी टू दमन, सो विल फ्लाई टू वडोदरा फर्स्ट एंड देन वी मूव टू बाई रोड वी मूव टू दमन। सो वी आर अबाउट टू बिगिन द जर्नी इन एन आवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुमार रवि। और जैसा कि हमने आपको आज दमन की ट्रिप में बताया था कि हम आपको दमन लेके चलेंगे और दमन में घुमाएंगे वहाँ के टूरिस्ट प्लेस में, और आज मैं अपने दोस्त सुधांशु के साथ आप पहुँचा हूँ बीच पे। समय टाइम हुआ है 6:29 और आप देख सकते हैं यहाँ दमन के बीच की एक छोटी सी झलक। ऑल्दो आप यहाँ पर देखेंगे जो पानी है वो काफ़ी पीछे जा चुका है, जैसा कि हमने यहाँ पर पूछा था लोगों से तो उन्होंने बताया था कि टाइम होता है पूरे दिन में 2 बार पानी जो है, जो समुद्र का पानी है वो यहाँ एकदम किनारों के करीब आता है और उसके बाद वापस चला जाता है। लेकिन हम लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा और हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि इस समय का जो सीन है वो दमन के बीच का कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो दोस्तों ये से देख सकते हैं आप बीच के सामने का एक होटल जो बेहद खूबसूरत लग रहा है, और उसके साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच का नज़ारा। और ये बीच का जो समय है वो 6:30 का है, तो इस समय आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो पानी है वो पीछे जा चुका है और आपको एक ऐसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको थोड़ी ज़मीनें रेतें दिखाई दे रही हैं और एक जो आसमान का नज़ारा है वो कुछ रंगों की तरह आपके सामने है, कुछ रंगों के माध्यम से आपके सामने है जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सीन है ये। और मेरे साथ में मेरे दोस्त जो हैं सुधांशु सिंह, वो भी हैं और उन्हें आप देख सकते हैं। हेलो सुधांशु, कैसा लग रहा है इस समय आपको बीच पर आके? हाय, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही सुनहरा मौसम है स्पेशली दिल्ली वासियों के लिए, जो अपने अंदर इनहेल कर अगर आप आते हैं तो कोई भी वातावरण आपको अच्छा लगता है, और स्पेशली आप दमन जैसे बीच पे हो जहाँ पर आपको एक मानसिक शांति मिल रही है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और एक ठंडी हवा और ताज़ी हवा मिल रही है जिससे आपका अंतः मन जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, तो वो आपके चेहरे पे भी दिखने लगता है। तो ये आइए कंटिन्यू करते हैं, हम दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, आइए। तो दोस्तों कैसे हैं आप? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेकर चलूँगा एक
दमन के बीच पर। तो इस समय का जो समय टाइम है वो 9 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं 9 बजे तक का नज़ारा इस जामपुर बीच का, जो कि एक बहुत अच्छा बीच है। और आप इसमें देख सकते हैं समंदर की उन लहरों को, जिनको देखने के लिए लोग दमन में आते हैं। और यही एक कारण है कि हम भी दमन में आए हुए हैं। तो आज हमारे साथ में आप भी इन नज़ारों का मज़ा लीजिए। तो देखो और देखिए इन समुंदर की लहरों का नज़ारा। इन पानी की लहरों को देखिए जो आगे बढ़ती हुई और एक ठंडक का एहसास कराती हुई। और पीछे देखिए आप इस समंदर का नज़ारा। कुछ ज़्यादा ही तेज़ लहरें हो रही हैं। जहाँ पर हम बैठे थे पहले तो वहाँ तक लहरें नहीं आ रही थी, लेकिन बीच बीच में वो लहरें वहाँ तक भी आ रही। फोर्स आपने पढ़ा होगा, 8वीं कक्षा में शायद पढ़ा होगा। तो जो पॉइंट फोर्स की आवाज़ आप यहाँ पे सुन सकते हैं, बहुत ही मधुर आवाज़ है, लेकिन डरावनी भी है, क्योंकि जब ये बढ़ती है तो सुनामी तक आती है। तो ये एक ताकत है पानी की, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पानी कितना ज़्यादा है, और हम सभी को पता है धरती पर पानी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप उसको महसूस कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आज हम आपको ले चलेंगे दमन के बीच पर और यहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो जो कि नज़ारा हम अगर आपको दिखाएं, तो ये दमन नदी है और ये समंदर है, और जिस जगह हम खड़े हैं वो इन दोनों का संगम है। यहाँ दोस्तों, यानी दोनों का संगम, जहाँ पर नदी और समुद्र जो है एक साथ मिल रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में ये पानी की लहरें आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो आपको दमन नदी नज़र आएगी, और अगर आप मेरी दाईं तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा एक विशाल समंदर, और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर देखेंगे लहरें, पानी ये आप अगर देखें तो बहुत अच्छे आपको कंक्रीट मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे जो कि ज़्यादातर ये पत्थर हमारे यहाँ दिल्ली में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप ऋषिकेश या पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। तो इस तरह के जो पत्थर हैं वो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं, मेरे साथ आगे बढ़े। आपने देखा होगा दोस्तों, जो ये काटा है, ये अक्सर देखते हैं जब हम किसी भी चीज़ को लॉक करने के लिए, रोकने के लिए जब देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का काटा है। और ये बोट को यहाँ पर किनारे पर रोकने के लिए लगा रखा है, काफ़ी अंदर तक ये धंसा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें, आपको बोट दिखाई देगी, उस पर बैठकर हम आगे तक जा सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल होती है। इसका कितना चार्ज है ये भी हम यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है अभी, इसलिए हम चीज़ों को एक्सप्लोर अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जितना हो सकेगा हम आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस बीच पर ये सारी फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और आइए आपको और दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये लहरें किस तरीके से आगे बढ़ती हुई। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं जमपुर बीच, जहाँ का नज़ारा अब आपके सामने है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ पर आप वेट देख रहे हैं या गीली रेत देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जो पानी का जो बहाव है वो यहाँ तक भी आता है। यानी इस समय हमारे पास समय कम है, कोशिश करेंगे कि शाम को यहाँ पर दोबारा आएँ, दोबारा आप सब सभी लोगों से मुखातिब हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ जो आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे दोस्त सुधांशु जो हैं, कुछ मैच देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सुधांशु जो है हमारे दोस्त, यहाँ पर लाइफ जैकेट पहनते हुए, मैं पहन चुका हूँ, आपने मेरे को दिखा नहीं। भाई आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ जी ने इन्हें जैकेट पहना दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बोटिंग करने और स्टीमर को बोट करेंगे, समंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत कम जो है वो मौका मिलता है। और वी आर इन बिजनेस पर्पस, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर हम यहाँ पर आए हैं। और मेरे साथ में सुधांशु महाराज, हालांकि आपने सुधांशु महाराज का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन हमारे साथ में जो है वो सुधांशु सिंह जी हैं। सिंह की तरह इनकी गर्जना होती है, और कभी जब ये गुस्से में आते हैं तो पूरे शेर बन जाते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं बीच का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्टूडेंट्स की भीड़ आती हुई। तो सुधांशु जी, क्योंकि शाम का टाइम था, जैसा कि हमने आपको बताया था कि शाम का जो समय है उस समय हम आप आकर यहाँ पर आपको दिखाते, लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गया कि जो पानी है वो शाम को 3-3:30 बजे के करीब चला जाता है, तो यहाँ पर पानी आपको मिलता नहीं। सो डेट इसीलिए यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि यहाँ पर आपको आकर दिखाएं। सो अभी हम चलते हैं, समंदर के किनारे पहुँच चुके हैं और अब समंदर के बीच में चलते हैं स्टीमर से, और बीच में वो नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे जो नज़ारा आप देखना चाहते हैं। उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी देर वो कैमरा को पकड़े, जिससे मैं अपनी जो है वो ऊपर बैंड देखे कैसे ऊपर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग पूरे एंजॉय के मूड में। फुल एंजॉय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का नज़ारा। यहाँ पर हालांकि पानी का जो कलर है वो आपको थोड़ा सा मटमैला दिखाई देगा, लेकिन ये भी एक मेमोरी याद करने वाली है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बोट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं भी बैठ सकते हैं, फ्रंट में बैठते हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बहुत खूबसूरत नज़ारा समुंदर का। शायद मेरे लिए पहला अनुभव है। सुधांशु जी, क्या आप पहले इससे पहले बैठे हैं? जी, इस तरह की बोट में तो नहीं बैठे, लेकिन हाँ जरूर बैठे बहुत हैं, लेकिन इस तरह की बोट में हम पहली बार बैठे हैं। और वी आर फेसिंग दी सी, तो हम सबसे आगे भी बैठे हैं, और हमें थोड़ी देर में धक्का मारा जाएगा पानी के बीच में, और उत्साहित है, लेकिन लहरों से डर भी लग रहा है, क्योंकि पानी ही बनाता है और पानी ही डुबाता है, तो इसलिए पानी अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे साथ में कुछ और मेंबर भी हैं, वो जुड़ चुके हैं। सो वी हैव मोर मेंबर्स फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे, एंड दे आर हियर टू एंजॉय, एंड यू कैन सी द फेसेस, एंड हियर इज रवि, प्लीज कंटिन्यू। देख सकते हैं, और डर भी लग रहा है इस बीच में, और आप ये नज़ारे देख सकते हैं।
डांस एंजॉय करते हुए। बस भाई खत्म, 250 रुपए गए। सुना, थैंक यू। अब इस बोट से नीचे उतरते हुए, पता नहीं कितना गहरा है दोस्तों, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। दे आर एंजॉइंग लॉट एंड दे आर ऑल्सो एंजॉइंग लॉट ऑन दिस रामपुर बीच। सो नाउ यू वांट टू शेयर एक्सपीरियंस। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बढ़िया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके वेट, देखा हमने आपके साथ और मैंने सुधांशु ने और हमारे साथ में कुछ लोग थे जिनके साथ में हमने यहाँ पर स्टीमर बोट राइड करी और उसका जो नज़ारा था वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। सो नाउ अब यहाँ पर दिखा सकते हैं हम आपको ये कुछ मिट्टी जो कि कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि लोग इसके थ्रू घर बनाने की कोशिश करते हैं। सो विल ट्राई। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई घर भी बन सकता क्योंकि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीली है और रेत है। तो नाउ फिर अपने हाथ दोबारा मास्क कर लेते हैं, बहुत बाद में हमें धोने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आप गीली मिट्टी देख रहे हैं अभी लगभग 2 से 2:30 या 3 बजे के करीब, क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि काफ़ी पानी जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि समंदर की लहरें वहाँ तक हैं, लेकिन अब समंदर की लहरें यहाँ तक भी आएगी और 3:30 बजे के बाद ये पानी वापस जाना शुरू हो जाएगा और लगभग 6 बजे अगर आप देखेंगे तो लगभग काफ़ी हद तक पानी अंदर चला जाएगा और यहाँ पर आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है और लगभग आप कभी भी यहाँ पर समंदर में आना चाहें और बीच का नज़ारा लेना चाहें तो लगभग 3 बजे तक आप यहाँ पर पहुँच जाएँ तो आपको पानी मिलेगा। और 3 बजे के बाद अगर आप शाम का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो समंदर की लहरें देखने को नहीं मिलेंगी जिन लहरों को देखने के लिए आप यहाँ पर आना चाहते हैं। तो गाइज आज का जो हमारा दमन का ट्रिप था, छोटा सा ट्रिप जो यहाँ के रामपुर विलेज का था, बीच का था, तो वो यहाँ पर अब समाप्त होता है और इस बीच पर हम कोशिश करेंगे दोबारा आने के लिए, लेकिन तब तक के लिए हम मिलते हैं। सुना जगह पर खड़े हैं जहाँ पर पानी का बहाव रहता है, लेकिन यहाँ पर दमन में जो हमने सुना और देखा कि पानी का बहाव कुछ समय तक रहता है, समय के अनुसार आता है, समय के अनुसार वापस चला जाता है। तो आज हम देख सकते हैं कितनी आगे तक आ गए। अगर जनरली यहाँ पर पानी होता है तो यहाँ पर हम कितनी आगे तक पहुँचते हैं, लेकिन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो जितना आप आगे चलेंगे पानी उतना ही नजर आएगा। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं एक खूबसूरत नज़ारा, एक ताज़ी हवा और एक ठंडी हवा। और जैसे कि आप नज़ारा देख पाएंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर दिखाएं, ये पानी से लेकिन बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। नेचर की ब्यूटी और जो बहुत ही कम देखने को मिलती है और जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये नज़ारा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हम ऑनलाइन गूगल पे सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो रियल का मज़ा है वो टोटली डिफरेंट है। तो
उम्मीद है जब भी दमन आए प्लीज़ बीचेस पे ज़रूर आएँ, और यहाँ पर जो रोज़गार है जो आपकी वजह से चलता है उसको भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है। तो टूरिज़्म जो है वो एक अच्छी चीज़ है, लिमिट में अगर आप करते हैं तो वो आपको भी फ़ायदा होगा, आपको ताज़ी हवा और नेचर की ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अब आप देख रहे पा रहे हैं, ये आगे जाने लायक नज़ारा नहीं रह गया है क्योंकि काफ़ी कीचड़ है और पैर फंस सकते हैं, और यहाँ पर समुद्र कुछ अपनी जो गंदगी फेंकता है वो भी आप देख सकते हैं कि समुद्र ने अपनी कुछ गंदगी जो जहाँ पे रही है तो वो थोड़ा सा फेंकी हुई है, और मिट्टी के जो आप ढेर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मिट्टी के ढेर भी हैं जो कि आपका पैर फंसा सकते हैं। और नाउ विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं समुद्र के बीच में लगे हुए ये पत्थर जिन पर हम इजीली अगर यहाँ पर खड़े होकर आराम से देख सकते हैं, नज़ारा ले सकते हैं। तो नाउ दिस अ 360 डिग्री व्यू, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नज़ारे समंदर के।